नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 2y³ प्लस 3y² x प्लस 3yx² प्लस x³ माइनस y² माइनस x² माइनस x इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके इसका एसिम्प्टोट हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो मैंने आप यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा है, चूंकि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 था दोस्तों, 2y³ प्लस 3y² इंटू एक्स प्लस 3yx² प्लस x³ माइनस y² माइनस x² माइनस x इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कर्व कितना है, तो 3 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वाई टर्म पे जो कॉन्स्टेंट है इसको हम लोग मेजर नहीं है, इसको हम लोग ध्यान नहीं देखते हैं, कॉन्स्टेंट वाले टर्म को, सिर्फ वेरिएबल्स को हम लोग ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है दोस्तों, वाई और एक्स है, तो यहाँ इसका भी पावर हम लोग ऐड करते हैं, तो 2 और 1 यहाँ पर भी 3 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री है। तो सिर्फ हाईएस्ट डिग्री जो 3 टर्म वाले जो हाईएस्ट डिग्री हमारा है, पहले उसको हम लोग क्या करते हैं अलग से लिख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है अलग टर्म बना के फाइव थ्री इक्वल टू जो सिर्फ हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म था, जो कि था 2y³ प्लस 3y² इंटू एक्स प्लस 3yx² प्लस x³। तो इनको हम लोगों ने क्या किया, अलग से लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हाईएस्ट डिग्री वाला जो हमारा टर्म है उसमें हम लोग पुटिंग करते हैं। तो पुट क्या करें दोस्तों, x=1 एंड y=m। तो जब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिएगा तो फाइनली जो बनेगा हमारा इक्वेशन वो क्या बनेगा दोस्तों, जो टर्म बनेगा y मतलब कि x=1 और m मतलब m के फॉर्म का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, y³m = 2m³ प्लस 3m² प्लस 3m+1। तो ये हमारा टर्म बनेगा, क्योंकि अगर आप इसमें पुट करके भी देख सकते हैं यहाँ पर m³ हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसी तरह x, यहाँ पर m² हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर 1 का² तो 1 ही होगा, यहाँ पर 3m हो जाएगा और यहाँ पर 1 का³ तो 1 ही होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे टर्म। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद ये जो टर्म है हमारा इसको हम लोग 0 से इक्वेट करा के हम लोग क्या करते हैं एम के वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे मैंने यहाँ पे लिखा चूंकि 5 3m = 0। अब इस टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करके एम के वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो जैसे कि देख सकते होंगे यहाँ पे आप, मैंने क्या किया यहाँ पर कि जो इक्वेशन लिखा पहले उसके बाद इक्वल टू 0 लिखा, क्योंकि इसको 0 से इक्वेट कराएंगे। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि ये जो टर्म है यहाँ पे हमारा मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, और कुछ कॉमन भी लेंगे तो हमारा अरेंजमेंट भी सही नहीं होगा। इसी वजह से क्या, क्योंकि क्यूब क्यूब के फॉर्म का यहाँ पर देख सकते हो इक्वेशन हमारा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें पुटिंग करते हैं, पुट करके इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग फिर एम के वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो जैसे देखिए आप क्लास 9 में वैसे फॉर्म देख चुके हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एम के ऐसे वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं जो LHS RHS को बराबर करता है, मतलब यहाँ भी इसको 0 बनाता है। तो अगर एम का वैल्यू हम लोग -1/2 यहाँ पर पुट करते हैं तो इधर भी 0 बनेगा और इधर भी 0 बनेगा, जीरो मतलब इधर मतलब RHS के बराबर हो जाएगा हमारा LHS। आप चाहे तरफ में जाकर चेक कर सकते हैं -1/2, आपको LHS वाला टर्म टोटल 0 मतलब टोटल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया पहला वैल्यू, मतलब m = -1/2 पुट करते हैं तो हम लोग LHS RHS बराबर हो जाता है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, इसी m = -1/2 है तो -1/2 को चूंकि RHS में इसको LHS में लाएंगे तो ऑब्वियसली साइन चेंज होगा, तो वहां पर हो जाएगा क्या दोस्तों, m + 1/2 = 0। ये हमारा बन गया जो टर्म यहाँ पे हमारा बना है। अब इस टर्म से डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको, उसके बाद फिर हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा, फिर वहां से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे एम के वैल्यूज को फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस टर्म का मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर कितना है तो 3 है, तो एम के वैल्यू 3 वैल्यूज होने चाहिए, तो एक वैल्यू तो हमको यहीं से मिल गया। अब इसी को अंदर लाके एक इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया, अब इस इक्वेशन को डिवाइड देंगे तो जो हमको एक अलग इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन से क्या करेंगे दोस्तों हम लोग एम के 2 वैल्यूज वहां से हम लोग को फाइंड हो जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर डिवाइड का साइन देते हुए यहाँ पे लिखा है, तो जब इसको आप डिवाइड दीजिएगा आप में जाकर चेक कर सकते हैं, आप क्लास 9 में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा भी है दोस्तों। तो जब इसको डिवाइड देगा तो फाइनली यहाँ पर जो टर्न बनेगा 2m² + 2m + 2 इतना बार में डिवाइड होगा, मतलब इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये हमारा बनेगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा m + 1/2, ये तो रहेगा ही रहेगा इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से इस टर्म को पहले एक बार 0 से इक्वेट कराते हैं, सिमिलरली इस टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट कराते हैं। तो जब हम लोग इस टर्म को 0 से इक्वेट कराएंगे और इस टर्म को लिखेंगे तो हमको एम के वैल्यूज को फाइंड मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे आप कि m + 1/2 = 0, जब इसको 0 से इक्वेट कराएंगे तो फाइनली m = -2, मतलब यही वैल्यू फिर से जैसे कि देख सकते होंगे यहाँ पर यही वैल्यू पहला वैल्यू हमारा आ चुका है। उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, अब जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको 0 से इक्वेट कराएंगे, तो देखिए जैसे कि देख सकते हैं इसमें मिडिल टर्म तोड़ना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा, इसी वजह से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ये फॉर्म हमारा देख रहे हैं
डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, उसी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एम के वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो उसी को यहाँ पर पुट किया, तो आप तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू होता था कुछ माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। ये फॉर्म तो आपको पता है दोस्तों, इक्वल टू। तो अब जैसे कि यहाँ पर माइनस बी है, तो बी हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों, टू है, तो टू को यहाँ पुट करते हैं। उसी तरह यहाँ पर टू का स्क्वायर माइनस फोर, यहाँ पे ए हो जाता है, यहाँ पर सी हो जाता है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली आपको 16 मिलेगा, इक्वल टू माफ कीजिएगा डिवाइडेड बाई टू है। तो ए हमारा टू है, तो टू को टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फोर होगा। फाइनली जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें कुछ आयोटा वाला फॉर्म आएगा, जो कि क्या बनेगा, उसको हमारा इमेजिनरी बन जाएगा। और एसिम्प्टोट में आप सभी को पता है कि इक्वेशन हमारा इमेजिनरी होता नहीं है, किसी वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया इमेजिनरी वैल्यू। मतलब यहाँ से हम लोग को दो वैल्यूज मिलते हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो दो वैल्यू यहाँ से मिलता है, एक वैल्यू हम लोग ने यहाँ से फाइंड किया, मतलब थ्री वैल्यूज हो गए, लेकिन इसमें से दो वैल्यू जो हम लोग को मिलता है वो इमेजिनरी होता है। इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया इमेजिनरी वैल्यू, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, मतलब लेकर नहीं चलते, क्योंकि इक्वेशन हमारा इमेजिनरी होता नहीं। तो यहाँ से ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला स्टेप देखिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फाइव थ्री माइनस वन, मतलब इससे जो हाईएस्ट डिग्री हमारा होता है उससे एक कम वाली डिग्री को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री हमारा थ्री है, तो थ्री माइनस वन मतलब टू डिग्री वाला टर्म, तो टू डिग्री वाला टर्म हमारा इक्वेशन में सिर्फ यही है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी टर्म को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें पुटिंग करते हैं, वाई इक्वल टू एम और एक्स इक्वल टू वन। तो जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस वन होगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, तो जैसे कि देख सकते होंगे आप अगला स्टेप हमारा, तो जो हमारा चौथा स्टेप होता है, चूंकि फाइव थ्री एम जो हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला मतलब जो टर्म होता है हमारा, पहले हम लोग उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब उसका डिफरेंशियल ऑर्डर हम लोग निकालते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर ये डैश का साइन मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन हमारा है इसको डिफरेंशिएट किया हुआ। तो जब इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली ये टर्म आएगा, तो हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो स्टेप होता है दोस्तों, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी के वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा देयरफॉर सी इक्वल्स टू, जो सी को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, माइनस फाई एन माइनस वन एम डिवाइड बाई फाई एन डैश एम। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो हमारा ये पहला टर्म है एन माइनस वन मतलब थ्री में से वो एक टर्म घटेगा, मतलब टू डिग्री वाले टर्म को ऊपर में लिखना है, और यहाँ पे थ्री डिग्री वाला टर्म जो डिफरेंशिएट किया हुआ टर्म है उसको यहाँ पे लिखना, आप सभी को पता है। जब ये सब वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कीजिएगा तो फाइनली ये होगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एम स्क्वायर, जो अंदर में माइनस एम स्क्वायर माइनस वन था वो मल्टीप्लाई होगा माइनस के साइन के साथ, ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म बनेगा, मतलब न्यूमिनेटर भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव था। अब ये हमारे देखो सी का वैल्यूज आ गया, मतलब कि यहाँ से सी का प्रॉपर वैल्यू तो हमको मिला नहीं, इसलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग पुटिंग करेंगे। तो एम इक्वल टू सबसे पहले क्या पुट करते हैं, माइनस वन बाई टू, क्योंकि यहाँ पर एम वाला टर्म सारा है, इसलिए जब एम का वैल्यूज को आप इसमें पुट कीजिएगा तो देन तो पहला वैल्यू जो आपको मिलेगा सी वन वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पुट कीजिएगा तो माइनस वन, चूंकि एम स्क्वायर है तो माइनस वन बाई टू का स्क्वायर होगा, बीच में प्लस का साइन, फिर वन डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू एम स्क्वायर है तो माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू, फिर यहाँ पर एम है तो माइनस वन बाई टू प्लस थ्री। जब इसको फाइनली आप न्यूमिनेटर को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 5 बाई 4 मिलेगा, जो कि आप देख रहे होंगे, और डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 6 बाई 4 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो फाइनली क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बाई 6 जो हमारा पहला वैल्यू होगा सी वन, तो वो हमारा 5 बाई 6 निकलेगा। चूंकि अब हम लोग और कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते दोस्तों एम इक्वल टू, क्योंकि दो वैल्यू जेम को जो हमारे थे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आते वो दोनों वैल्यू क्या होते हैं दोस्तों, इमेजनरी होता, तो इमेजनरी वैल्यू को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इमेजनरी अगर वैल्यू को हम लोग लेते हैं तो इक्वेशन हमारा इमेजिनरी हो जाता है, इक्वेशन हमारा इमेजिनरी के भी होता नहीं, इसी वजह से हम लोग दो वैल्यू को हम लोग नहीं लेते, सिर्फ एक ही वैल्यू को हम लोग एम को लिए हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर माइनस वन बाई टू, और इसी से हम लोगों ने सी का वैल्यू उसको फाइंड किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हैंस दोस्तों आता है द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप सभी को पता है दोस्तों क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, सी होता है तो पहले वैल्यू जो कि होता है एम एम इक्वल टू मतलब वन माइनस वन बाई टू के लिए, तो पहला वैल्यू सी वन क्या है दोस्तों। तो जब एम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं माइनस वन बाई टू, तो सी वन हमारा क्या था दोस्तों, फाइव बाई सिक्स था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे पहले से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके सी के प्लेस पे एम के वैल्यू को पुट करके हम लोगों ने फाइंड किया सी वन का वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स को माइनस वन बाई टू के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनली वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू होगा, पीछे प्लस के साइन, फाइव बाई सिक्स, टू और एक्स सिक्स कैल्सियम, आप सभी को पता है दोस्तों सिक्स होता है, टू थ्री जै सिक्स कैंसिल होगा, फिर थ्री से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स को तो माइनस थ्री एक्स होगा, बीच में प्लस का साइन, फिर फाइव, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिक्स को वाई के साथ, यहाँ पर फाइनली सिक्स वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, ये टर्न बनेगा। और इसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, जो माइनस थ्री एक्स है उसको आर एच एस से एल एच एस में लाएगा तो ऑब्वियसली साइन चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो फाइनली इसको लिख सकते हैं क्या, सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स माफ कीजिएगा सिक्स वाई प्लस थ्री एक्स इक्वल टू फाइव। इसको इंटरचेंज करके आप, चूंकि पॉजिटिव साइन पॉजिटिव दोनों है, इंटरचेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स को आगे और वाई को इसके बाद में, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है। इसके बाद फिर कुछ कॉमन निकल रहा है तो थ्री वाला टर्म को कॉमन निकलेगा तो हमारे में अंदर में क्या बचेगा, तो एक्स प्लस टू वाई बचेगा इक्वल टू फाइव, फिर यहाँ तो मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, आप सभी को पता है दोस्तों। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनता है वो क्या बचता है दोस्तों, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव बाई थ्री। तो यह रहा हमारा इक्वेशन, तो इसलिए आप लिख सकते क्या दोस्तों, द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट आर
तो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 5/3। तो हमारा रहा दोस्तों क्या, हमारा मतलब इक्वेशन हमारा एसिम्प्टोट ये रहा, क्योंकि और दो इक्वेशन आप सोचिए कहाँ दोस्तों, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दोनों दो वैल्यू एम के तो इमेजिनरी आ गए, इसलिए वैसे दो इक्वेशन वहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही रियल वैल्यू है, ऐसे वैसे इक्वेशन भी आपको एक ही देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन दोस्तों। तो अगर आपको किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। और बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मेहनत के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।